दोस्तों क्या आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आपके YT स्टूडियो में डॉलर बनना शुरू हो गया है, लेकिन एडसेंस में डॉलर नहीं शो हो रहा है और आप इस बात को लेकर काफ़ी घबरा गए हैं कि आपका एडसेंस चैनल के साथ लिंक हुआ है या नहीं, आपका एडसेंस सही से काम कर रहा है नहीं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूबर की जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करते हैं और मुझे लगता है कि इससे यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो मैं उस पर एक वीडियोज बनाता हूँ ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल सके। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज बनाना चाहिए ताकि जो भी यूट्यूबर ऐसे परेशान हैं वो जो है अच्छे से बेफिक्र होकर काम कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदय यूट्यूब चैनल पर। हर बार की तरह दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोज के नीचे दोस्तों आपको लाल कलर की सब्सक्राइब बटन दिखाई देगी, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटा आएगा उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए और ध्यान समझिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब एक यूट्यूबर अपने चैनल पर कड़ी मेहनत करने के बाद 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद अपने चैनल को एडसेंस के साथ लिंक करता है तो उसके YT स्टूडियो में डॉलर बनना शुरू हो जाता है और इसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, डॉलर YT स्टूडियो में बनना शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो एडसेंस अकाउंट ओपन करता है वहाँ पर 00 डॉलर दिखाई देता है और इसको देखकर वो टेंशन में आ जाता है कि यार अब ये क्या इशू है, YT स्टूडियो में डॉलर दिख रहा है एडसेंस में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई लोचा है, कोई लफड़ा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि YT स्टूडियो में जो डॉलर हमारा दिखता है वो हर दिन की अर्निंग जो है हमारी वहाँ पर अपडेट होती रहती है, मतलब जो भी वीडियोज हमारे चैनल पर होती हैं उन पर जो भी एडवर्टाइज आता है वो पर डे का जो है डॉलर वहाँ पर अपडेट कर देता है YT स्टूडियो में। लेकिन दोस्तों एडसेंस में डॉलर अपडेट होने का डेट और टाइम कुछ अलग है, तो इसी बात को आपको समझना है। दोस्तों देखिए, जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है अक्सर ये समस्या नए यूट्यूबर के साथ आती है, जो लोग नए होते हैं अपने चैनल को फर्स्ट टाइम मोनेटाइज करते हैं उन्हीं के साथ ये समस्या आती है क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्या टाइमिंग है और कैसे हमको क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो YT स्टूडियो में डॉलर दिख रहा है वो एडसेंस में कब शो होगा और इसे हम कैसे देखेंगे और हमारे बैंक अकाउंट में वो डॉलर कब आएगा, तो दोस्तों इसको ध्यान समझिए। दोस्तों जो YT स्टूडियो में डॉलर हमारा पर दिन अपडेट होता है और जिस दिन हमारा चैनल मोनेटाइज होता है उससे जो है आने वाले जो 10 तारीख होगी, आने वाले महीने की जो 10 तारीख होगी उस 10 तारीख को एडसेंस में वो डॉलर अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों YT स्टूडियो का जो भी डॉलर रहता है एक महीने का वो आने वाले अगले महीने को 10 तारीख को एडसेंस में अपडेट कर दिया जाता है, 7 से लेकर 11 के बीच में अपडेट किया जाता है, लेकिन हर महीने के 10 तारीख के लगभग जो है वो डॉलर एडसेंस में अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि अप्रैल महीने का जो भी अर्निंग हमारी एडसेंस में हुई है वो मई के 10 तारीख को एडसेंस में अपडेट होगी, एक महीने पीछे की जो भी अर्निंग हुई होती है वो आने वाले महीने के 10 तारीख को, नेक्स्ट महीने के 10 तारीख को एडसेंस में अपडेट कर दी जाती है। तो एडसेंस में ये डॉलर हमारा आने वाले 10 तारीख को जो है अपडेट हो जाएगा, अब आपका टेंशन खत्म हो जाना चाहिए। साथ ही में दोस्तों अब आपको ये भी कन्फ्यूजन होगा कि मान लीजिए एडसेंस में गया तो हमारे बैंक अकाउंट में कब आएगा। तो दोस्तों 10 तारीख को डॉलर जब हमारे एडसेंस में अपडेट होता है तो अगर वो अर्निंग हमारी 100 डॉलर या 100 डॉलर से ऊपर की हुई होती है तो वो अर्निंग जो है हमारे बैंक अकाउंट में एडसेंस भेज देगा 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में। जो जिस महीने में एडसेंस में अपडेट होती है उसी महीने के 21 से 26 तारीख के बीच में वो अर्निंग जो है हमारे बैंक अकाउंट में भेज देगा, अगर 100 डॉलर या 100 डॉलर से ऊपर का वो अर्निंग हुआ होगा। अगर 100 डॉलर नहीं हुआ होगा, 100 डॉलर से कम हुआ होगा तो वो अर्निंग नेक्स्ट महीने के लिए होल्ड हो जाएगी। फिर जब हमारे YT स्टूडियो की अर्निंग जो है एडसेंस में अपडेट होगी और उसके बाद जो है वो फिर से जो है वहाँ पर अगर 100 डॉलर से ऊपर चला जाता है तो वो उसी महीने के 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में, मतलब जिस महीने में अपडेट होगा, जिस महीने में 100 डॉलर होगा उसी महीने के 21 से 26 तारीख के बीच में हमारे बैंक अकाउंट में एडसेंस भेज देगा। तो दोस्तों अर्निंग को लेकर बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, खासकर नए यूट्यूबर, पुराने लोग तो अच्छे से समझ गए हैं सारे प्रोसेस को, लेकिन जो नए यूट्यूबर रहते हैं उनके YT स्टूडियो में अर्निंग दिखती है एडसेंस में नहीं दिखती, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैंने इसको जो है अच्छे से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बस आपको इतना समझना है कि जो भी अर्निंग आपकी YT स्टूडियो में दिख रही है वो आने वाले हर महीने के 10 तारीख को एडसेंस में अपडेट होगी और जब 100 डॉलर अगर 10 तारीख को जो
अर्निंग अपडेट हुई है वो अगर 100 या 100 से ऊपर है, $100 से ऊपर है, तो 21 लेकर 26 के बीच में आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपके एडसेंस में सारी जो है चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, आईएनटी वेरिफिकेशन, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो है आपके एडसेंस में कंप्लीट होना चाहिए, तभी अर्निंग आपको आपके अकाउंट में मिलेगी। तो दोस्तों यूट्यूब की अर्निंग को लेकर अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो के नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।